हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओस्मोटिक प्रेशर मेथड। ओस्मोटिक प्रेशर मेथड ई सेकेंड मेथड है जो यूज किया जाएगा डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं ओस्मोसिस क्या होता है और ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओस्मोसिस क्या होता है देखते हैं। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जब सॉल्वेंट फ्लो करता है ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तब उसे ओस्मोसिस कहते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कितना कम से कम प्रेशर लगाया जाए या कितना चाहिए ताकि जो सॉल्वेंट का फ्लो है ना लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ रुक जाए, उस प्रेशर को बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। तो द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर कैरिड आउट टू स्टॉप ओस्मोसिस इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर, और द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जितना चाहिए कि ओस्मोसिस को स्टॉप कर दे, तो उसे बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। अब हम ओस्मोटिक प्रेशर मेथड के बारे में देखते हैं क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये बता देंगे कि ओस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से, और पाई होता है सी आर टी, जहाँ पे पाई होगा ओस्मोटिक प्रेशर, टी होगा टेम्परेचर केल्विन में, आर होगा गैस कॉन्स्टेंट और सी होगा कंसनट्रेशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। अब ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये क्या है, हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये पॉलीमर सॉल्यूशन है और ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। तो क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ, हो गया। अब थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। जो ओस्मोटिक प्रेशर मेथड है ना, वो वाइडली यूज्ड मेथड है। ये मेथड मेम्ब्रेन ओस्मोमीटरी भी कहलाता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ ओस्मोसिस, ये ओस्मोसिस के फिनोमिना पे बेस्ड है। इफ प्योर सॉल्वेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ड्यू टू कंसनट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट विल फ्लो इनटू द सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर प्योर सॉल्वेंट सेपरेट कर दिया जाता है ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन से, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा, एक एक जगह ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, एक जगह कम होगी, तो जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा ना सॉल्यूशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। बताया ना कि ओस्मोसिस को फॉलो करता है ये। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोसिस। अब हम एक पॉलीमर डाइल्यूट पॉलीमर सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे जो सेपरेट किया गया है प्योर सॉल्वेंट से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। मतलब एक प्योर सॉल्वेंट है और एक पॉलीमर का सॉल्यूशन है, और ये दोनों सेपरेट किए गए हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाला, जैसे कि इसमें डायग्राम में शो किया हुआ है। अब क्या करेंगे, जो केमिकल पोटेंशियल है ना सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, वो कम होगा प्योर सॉल्वेंट से, मतलब म्यू सॉल्यूशन कम होगा म्यू सॉल्वेंट से। उसके बाद देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए सॉल्वेंट फ्लो करेगा प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो दिया जाता है डेल्टा न्यू आई इज इक्वल टू न्यू आई माइनस न्यू आई नॉट से, जो इक्वल होता है माइनस पाई वी वन बार। अब न्यू आई माइनस न्यू आई नॉट, ये न्यू आई माइनस न्यू आई नॉट डेल्टा न्यू आई होता है, यही बात लिखी हुई है। अब जहाँ पे म्यू आई होता है केमिकल पोटेंशियल सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन का, और न्यू आई नॉट होता है केमिकल पोटेंशियल प्योर सॉल्वेंट का, और वी वन बार होता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें पता है कि न्यू आई है ना वो होता है न्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन ए आई। यहाँ पे ए आई है ना वो होता है एफ ऑफ एक्स, एफ होता है एक्टिविटी कोफिशियंट और एक्स होता है मोल फ्रैक्शन, तो ए आई को लिख सकते हैं एफ आई एक्स आई। तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं कि ए आई आ गई एफ ऑफ आई एक्स आई, और न्यू आई है न्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन ए आई। तो ये ए आई की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो न्यू आई की वैल्यू आ जाएगी, और जो न्यू आई की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन वन में रख देंगे। तो पहले ए आई की वैल्यू एल एन ए आई में रख देंगे, तो ये वैल्यू आ गई म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन एफ ऑफ आई एक्स आई। अब ये जो इक्वेशन थ्री है वो इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, यहाँ पे जो न्यू आई की वैल्यू आई है ना यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो पुटिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन वी गेट न्यू आई माइनस न्यू आई नॉट इक्वल टू न्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन एफ आई एक्स आई माइनस न्यू आई नॉट, जो कैंसिल हो वो कैंसिल कर देंगे, बचा क्या आर टी एल एन एफ ओ फाई एक्स ओ फाई। अब आगे देखते हैं आर टी एल एन एफ ओ फाई एक्स ओ फाई प्लस पाई वी वन बार इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्या
क्या हुआ था, म्यू आई माइनस म्यू आई नॉट था माइनस पाई वी वन बार की, तो ये वैल्यू इक्वल आई है आर टी एल एन एफ ओफ एक्स आई की, तो ये आर टी एल एन एफ ओफ एक्स आई किसके इक्वल हो गया, माइनस पाई वी वन बार की। अब ये पाई वी वन बार इस साइड ले आए तो इस साइड जीरो बच जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब वन के लिए लिख देंगे एफ ओफ वन एक्स ओफ वन प्लस पाई वी वन बार इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एफ ओफ वन होगा एक्टिविटी कोफिशियंट सोलवेंट का, वन हम सोलवेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं और टू सोल्यूट के लिए यूज़ करेंगे। वी वन बार होगा पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन सोल्यूशन। अब डायल्यूट सोल्यूशन के लिए जो एफ वन है ना वो टेंड करेगा वन को और वी वन बार टेंड करेगा वी वन नॉट को। यहाँ पे वी वन नॉट होगा मोलर वॉल्यूम प्योर सोलवेंट का, तो एफ ओ वन की जगह वन रख दें और वी ओफ वन बार की जगह वी वन नॉट रख दें इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा आर टी एल एन एक्स वन एफ ओ वन तो वन हो गया ना प्लस पाई वी वन नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन फोर हो गई। अब हमें पता है एक्स वन प्लस एक्स टू वन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट वन होता है। एक्स वन एक्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट है, एक्स वन और एक्स टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x1 क्या आ जाएगा 1 माइनस x2, तो जो x1 की वैल्यू आएगी ना वो पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में, तो x1 की वैल्यू इक्वेशन 4 में यहाँ पे रख देंगे, तो क्या आएगा आर टी एल एन वन माइनस एक्स टू प्लस फाइव वी वन नॉट इक्वल टू जीरो। इतना आ गया। अब फाइव वी वन नॉट को इस साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो आर टी एल एन वन माइनस एक्स टू इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव वी वन नॉट। अब हमें एक्सपेंशन पता है कि लॉग ऑफ वन माइनस एक्स क्या होता है, या वन माइनस एक्स टू है तो एक्स टू लिख लिया, माइनस ऑफ एक्स टू माइनस ऑफ एक्स टू का स्क्वायर बाय टू माइनस ऑफ एक्स टू का क्यूब बाय थ्री एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दी एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन की वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिला, ये माइनस है ना पहले ये कॉमन ले लिया बाहर ले लिया, तो माइनस ऑफ आर टी ये सारे साइन प्लस के हो जाएंगे, तो एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स टू का क्यूब बाय थ्री प्लस डॉट 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 सो ऑन एंड इक्वल टू माइनस पाई वी वन नॉट। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख देंगे। अब उसके बाद मानेंगे कि C अगर कंसंट्रेशन है पॉलीमर सॉल्यूशन की तो X2 है ना वो दिया जाएगा, ये हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लेंगे कि X2 दिया जाएगा C by M अपॉन वन बाई वी वन नॉट प्लस सी बाई एम। अब डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए X2 होगा ना वो होगा C वी वन नॉट बाई एम, या फिर आप सीधा ले देना पहले तो C कंसंट्रेशन, इफ C इज द कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन देन फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन X2 इज गिवन बाय, डायरेक्ट ये वैल्यू याद रख लेना X2 है C वन नॉट बाई एम। अब जो ये X2 की वैल्यू आई है ना वो इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में। X2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा पाई वी वन नॉट इक्वल टू आर टी सी वी वन नॉट बाई एम हाफ ऑफ सी वी वन नॉट बाई एम का स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री सी वन वी वन नॉट बाई एम का क्यूब प्लस सो ओन। अब पाई वी वन नॉट इज इक्वल टू आर टी, अब इन सब में से ये कॉमन आ रहा है, देखो सी वी वन नॉट और एम सब में से कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे वन बचेगा। अब ये स्क्वायर था तो एक टर्म तो बचेगी एज इट इज, अब यहाँ पे क्यूब है तो स्क्वायर बचेगा, एक टर्म ही तो निकालेंगे ना बाहर, बाकी टर्म एज इट इज रहेंगी, तो ये हमारा एक्सपेंशन बन गया। अब क्या करेंगे, ये सी है ना वो इस साइड ले आएंगे और वी वन नॉट से वी वन नॉट कैंसिल कर देंगे। सी इस साइड लाने के बाद क्या बचा हमारा, पाई बाय सी आर टी बाय एम इंटू वन प्लस हाफ सी वी वन नॉट बाय एम प्लस वन बाय थ्री सी वी वन नॉट बाय एम का होल स्क्वायर प्लस सोन। अब पाई बाय सी इक्वल टू आर टी बाय एम इंटू वन प्लस हाफ। अब जो ये सी है ना इसको बाहर ले लेना है, बाकी टर्म को कॉन्स्टेंट मान लेना है ए टू के, इसमें भी सिंपली सी को बाहर लिख देना है, तो सी का स्क्वायर बाहर होगा और ये वी वन नॉट बाई एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो इक्वेशन स्टार आई ना, इस इक्वेशन स्टार को हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि पाई बाई सी इजिकल टू आर टी, एम को अंदर ले आया हुआ है, वन बाई एम प्लस बी टू सी, और जो ए टू बाई एम आएगा ना उसको बी टू लिख दिया, वैसे ही ए थ्री स्क्वायर बाई एम आएगा उसको बी थ्री लिख दिया सी का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब B2, B3 है ना वो सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन वायरल कोफिशियंट है। अब जो इक्वेशन 7 आई है ना वो वांट ऑफ इक्वेशन है, जो रिलेट करेगी ऑस्मोटिक प्रेशर पॉलीमर सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर के साथ। नाउ एज द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो जो थर्ड टर्म आई ना हमारे पास वो नेग्लेक्ट की जा सकती है, तो थर्ड टर्म नेग्लेक्ट करने के बाद इक्वेशन 7 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 7 बन जाएगी पाई बाई सी इजिकल टू आर टी बाई एम, ये टर्म जीरो हो जाएगी नेग्लेक्ट कर दी, तो क्या बची आर टी बाई एम इंटू आर टी बाई बी टू सी। अब आर टी बाई बी टू सी आया ना तो आर टी इंटू बी टू आया ना उसको बी लिखा हुआ है और सी एज इट इज है, उसको एक कॉन्स्टेंट और नाम दे दिया बी। अब जो ग्राफ है ना पाई बाई सी के बीच में और सी के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन देगा जिसका स्लोप होगा बी और इंटरसेप्ट होगा आर टी बाई एम,
कैसे मिलेगा ये इस इक्वेशन जो आई उसको कंपेयर कर देंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई क्या होगा पाई बाई सी, सी क्या होगा सी के बीच में, तो m क्या होगा, अब देखो y क्या होगा सॉरी पाई बाई सी और x होगा c, तो x कहाँ पे है यहाँ पे c, तो स्लोप आ गया m होता है स्लोप, तो m है b और c होता है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट होगा आर टी बाई एम, तो यहाँ पे अगर इंटरसेप्ट जीरो होना तो ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होता है, अब यहाँ पे इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू है तो ग्राफ यहाँ से होगा और वो कुछ वैल्यू ये है आर टी बाई एम, और ये ग्राफ का स्लोप होगा बी, पाई बाई सी वर्सेस सी के बीच में हमारा ये ग्राफ ऑब्टेन होगा। इस टॉपिक में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।